हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट को आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी तरीके से देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और उसके बाद वहाँ पर वेब एड्रेस में आपको चले जाना है। जैसे आप यहाँ पर चले जाएंगे तो उस पर आपको लिखना है www.cbseresults.nic.in और इसको लिख के आपको सीधे सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। उसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन क्लास टेंथ 2019 अनाउंसड ऑन 6 मई 2019। और यहाँ देख सकते हैं सीनियर स्कूल्स एग्जामिनेशन क्लास ट्वेल्थ 2019, जिस पे आपको जिसका रिजल्ट देखना है उस पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लास टेंथ का रिजल्ट आपको दिखाता हूँ कैसे आप खोल सकते हो। सिंपल से आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सामने एक नया वेब पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सिंपल से आप देख सकते हैं आपका जो डिटेल मांगा जा रहा है यहाँ पे, ये सब डेटा आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है। आपको बस सिंपल से अपने एडमिट कार्ड को ओपन कर लेना है। वहाँ से जो जो डिटेल आपसे यहाँ पे मांगी जा रही है उस डिटेल को आप सिंपल से यहाँ से भरकर जैसे ही सबमिट करेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें मांगा क्या जा रहा है। इंटर योर रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ ये भी आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा, आपका स्कूल नंबर, आपका सेंटर नंबर और एडमिट कार्ड आईडी सब कुछ आपके उस एडमिट कार्ड पर दिया होगा। बस सिंपल से आपको यहाँ से हर चीज़ हर डिटेल को फिल करना है और सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट्स खुल के आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ का चेक करना है सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट, तो आपको सिंपल से फिर से उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। आप देख सकते हैं जैसे उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ फिर उस पर क्लिक कर देना है सी ट्वेल्थ वाले पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया वेब पेज खुल जाएगा, उसमें भी आपका मांगा जा रहा है इंटर रोल नंबर, स्कूल नंबर, इंटर सेंटर नंबर और आपसे एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है। इसमें आपसे डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगा जा रहा है। जैसे आप ये सारी डिटेल दे देंगे, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एज़ गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड। जैसे आप ये डिटेल भर देंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट खुल के आ जाएगा। दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।